कैसे याद आ गई? जैसे जैसे हमेशा से याद करता आ रहा। हर वक्त फोन तो नहीं करते, बात करने का कहते हैं लेकिन बोलते नहीं, मिलने का कहते हैं लेकिन आते ही नहीं। चल क्या रहा है ये? चल तो रहा, जैसे जैसे मेरा गाना। अच्छा, मुझे तो कोई आवाज नहीं आ रही। आ जाएगी, आवाज भी आ जाएगी। तुम बस ये समझ लो कि तुम इस वक्त पाकिस्तान के सबसे बड़े गुलकार से बात कर रही हो। लेकिन मैं तो आपसे बात कर रही हूँ। बहुत तेज हो तुम यार। अच्छा, वैसे हुआ क्या है? जाने न जाने, गुल ही न जाने, बाग तो सारा जाने। कौन गुल? अरे तुम और कौन? जिसकी खुशबू उसके ना होते हुए भी महसूस होती। हेलो, चुप क्यों गई तुम? आप भी ना सिर्फ काम की बात ही किया करे। अब डांडा भी जाएगा। पाजलान मियां, तुम्हारी किस्मत, जहां से प्यार की बातें सुनने को मिलती थी अब वहां से डांटने की बातें सुनने को मिलेंगी। ऐसी बातें करेंगे ना तो डांट ही पड़ेगी। अच्छा चलें, ड्रामे बंद करें और ये बताएं हुआ क्या है। तुम्हारी दुआएं रंग ले आई। तुम्हें पता है पहला गाना मेरा हिट हो गया, सुपर हिट। सच? यकीन अगर कामिल हो तो दुआएं जरूर कबूल होती हैं। बस अब दूसरी दुआ भी करना शुरू कर दो। कामयाबी ये ऐसी भी लूट सेल नहीं लगी अजलान, आप भी अपना हिस्सा डालें। तुम हो ना। अच्छा तो फिर अब्बा को बताने का बार है? चले ना आए, मैं खुद ही बता दूंगी। अल्लाह हाफिज। आप भी अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। बेटा, तुम्हें अल्लाह ताला साबित कदम रखे। आमीन। बस मुझे आप लोगों का साथ चाहिए, अल्लाह आप लोगों को अजर देगा। देखें, आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। जब बुराई में लोग इकट्ठे हो सकते हैं तो ये तो फिर एक नेक काम है। हम सब आपके साथ हैं और ये आपका अपना घर है। जब तक चाहें आप यहाँ रह सकते हैं, कोई आपको यहाँ से जाने के लिए नहीं कहेगा। बेटी, मैं बाबर की भी ड्यूटी लगाऊंगी, तुम्हें कोई भी काम हो ना बिला झिझक कह देना। वैसे आपके हौसले और हिम्मत के दांते नहीं पड़ेंगे। एक बात पूछूं बेटा? जी पूछें। ये खाली जी क्या होता है? जी मैं समझी नहीं। इनका कहने का मतलब है कि जी के साथ कोई रिश्ता भी होना चाहिए, जैसे आंटी जी, खाला जी, अम्मी जी, मतलब यू नो कि कुछ तो होना चाहिए रिश्ता। जी अच्छा, तो फिर मैं खाला कह दिया करूं? बिल्कुल कह सकती हूँ। आप कुछ पूछ रहे हैं जी? बेटी, एक बात पूछूं अगर बुरा ना माना तो? तुम्हें वो सब कुछ छोड़ने का ख्याल कैसे आया? खाला, बस जिस दिन मेरी अम्मी इस दुनिया से चली गई थी ना, उसी दिन मेरी दुनिया बदल गई थी। ओह,
बहुत अफसोस हुआ। ये कब की बात है? यही कोई 8 माह पहले मैंने देखा कि मेरी अम्मी इस दुनिया से खाली हाथ जा रही थी। उनका जनाजा अगर लोग ना उठाते तो वह ऐसे ही बेहिसो हरकत पड़ी रहती। ना सारी जिंदगी जमा शुदा दौलत काम आई, ना ही जेर दस्त लोग। ऐसा ही है, इसलिए तो रोजे महशर और मौत को याद रखने का हुक्म दिया गया, ताकि इंसान बुराइयों से बच सके। जी, और फिर मुझ में एक रोशनी उतरी और मैंने झूठी रोशनियों की दुनिया छोड़ दी। 8 माह में 6 घर बदल चुकी हूँ, लेकिन दुनिया है कि जीने ही नहीं देती। अब आपको कोई घर बदलना नहीं पड़ेगा, यहां आप सुकून से रह सकती हैं। हम लोग चलें। जी बेटा, अपना ख्याल रखना, ठीक है? अल्लाह। बाबा, कहां से आ रही हैं? By the way, तुम्हें तो ड्राइवर के साथ आना जाना पसंद नहीं, अब क्या हो गया? हेलो, तुमसे पूछ रहा हूं, यहां और कोई नहीं है? ये मारुख कौन है? काउंसलर साहब, आप? क्यों, क्या मैं नहीं आ सकता? नहीं, क्यों नहीं आ सकते? आ सकते हैं आप, लेकिन आप तो लोगों से ये कहते थे कि ये तावीज धागे करने वाले लोग काफिर होते हैं, ये कुफ्र है। आज क्यों आ गए आप? रात को इस वक्त खैरियत से आए आप? देखो, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। अगर हम दोनों मिल जाएं, तो यह आफत टल सकती है। कोई काम है? मैं भी सोचूं कि मतलब ही बंदा बिना काम के कैसे आ सकता है। देखो माई सुखा, ये वक्त इन बातों का नहीं है। इस वक्त एक और मसला दरपेश है, इसका कतई हल फौरन दरकार है। देखो भी, सीधी बात है काउंसलर साहब, मुझसे तो अगर कोई बात करनी है ना, तो आसान लफ्जों में करें। ये मुश्किल सी जो उर्दू आप बोल रहे हो ना, मेरे दिमाग में नहीं पड़ती, मुझे नहीं समझ आती ये बातें। बोलो, क्या काम है? देखो, बात सीधी सी है। इस वक्त मोहल्ले में एक जादूगर किस्म की औरत आ बसी है, सारे मोहल्ले का सुकून बर्बाद हो रहा है। ओ, अंदलीब है ना? काउंसलर साहब, लगता है
काफी सदमा दिया है उसने आपको, है ना? तौबा करो, मैं तो मुंह भी ना लगाऊं ऐसी बदकार औरत को। वो तो सबको पता है उसके किरदार का। लेकिन आप ये बताओ कि अब उसका करना क्या है? तुम अपने मुरीदों को और मैं अपने मानने वालों को जमा कर दें और इस बुरे साये को मोहल्ले से टाल देते। लेकिन मुझे क्या फायदा होगा? अब मैं लोगों से ताबीज और धागों के बारे में कोई बात नहीं किया करूंगा, बल्कि उन्हें मशवरा दूंगा कि ये भी इलाज का एक तरीका है। बड़े लाइन पे आए हो, ठीक है अब जाओ। तो वाह, अब आया ना उन पहाड़ के नीचे, पहले बड़ी कचर पचर बातें किया करते थे। अच्छा, वो लग कैसी रही थी? यार मैं तुम्हें बता नहीं सकती, मैंने उसको बोला ये तुम थोड़ा मेकअप तो कम कर लेती। लेकिन एंटरटेनमेंट की दुनिया से आपको खबर दें, एक पाकिस्तानी नौजवान गुलुकार की वीडियो ने इंटरनेट पर धूम मचा दी, एक ही हफ्ते में लाखों व्यूज अपने नाम कर लिए। जी हाँ, नौजवान गुलुकार अजलान के रोमान परवर गीत ने मकबूलियत के नए रिकॉर्ड कायम कर दिए। 9 दिन कबल सोशल मीडिया की जीनत बनने वाली दिले नादा नामी इस वीडियो को मौसीकी के शेदाई नौजवानों में बेहद सराहा जा रहा है। इस गीत को पाकिस्तानी म्यूजिक इंडस्ट्री में एक अच्छा इजाफा माना जा रहा है। शोबिज़ की दुनिया से फिलहाल इतना ही, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। बहुत बहुत मुबारक। किन गहरी सोचों में है? कुछ खास नहीं। नहीं, कुछ तो खास है जिसकी पर्दादारी है। पर्दादारी तो बहुत है, यहां तक कि आसपास के लोगों के कानों कान खबर ना हो। रूए सुखन पूछ सकता हूं किसकी जाने? मुझे एक बात बताए, एक मर्द को अपनी जिंदगी में दूसरी औरत की जरूरत कब पड़ती है? जब उसका जिंदगी से दिल भर जाए, वो मरना चाहे और खुदकुशी भी ऐसी करना चाहे जो शरण और कानून नाजायज भी ना। शाहनवाज, में मजाक नहीं कर रही। नाजिश ने आपका ऑफिस ज्वाइन कर लिया और मुझे मुझे पता ही नहीं। हाँ, मुझे भी आज ही पता चला। वजह? भाई वो आ गई ऑफिस, ने ज्वाइन कर दिया। ठीक है भाई, जितना उस कारोबार पे हक हमारा है उतना ही उसकी बेटी का भी है। क्या वो कारोबार की हद तक ही शेयरिंग में दिलचस्पी रखती है या? नो, वैसे जाहिर तौर पर तो कारोबार में ही है। वैसे भी आप जानती हैं जैसे उसकी तबीयत है, ठहराव तो उसमें है नहीं। चंद दिन में ये शौक पूरा होगा, कोई और शौक आ जाएगा। उसके सारे शौक पूरे होना अच्छा नहीं है। वैसे अगर देखा जाए तो इस बात का एक पॉजिटिव मतलब मस्बत पहलू है वो ये कि कोई हाथ बटाने वाला तो आया। इतने बरसों से मैं अकेला सब कुछ संभाल रहा था, अब आई हैं माँ बेटी, आपने हिस्सा संभालें भाई, हमारी जिम्मेदारी कुछ खत्म हो। शाहनवाज, बात टालना तो कोई आपसे सीखे। अतिया भैया, जिस तरह सोच रहे हैं ना, इस तरह सोचना भी हमारे रिश्ते की तौहीन है। फिक्र न करो, वो सिर्फ
अपना हिस्सा इसे भरेंगे, तुम्हारी हिस्सा नहीं। ये ले जनाब, आपके लिए गरम गरम कॉफी बना के लाएंगे। तुम जब से अमेरिका से पलटी हो आज तीसरी बार आ रही हो मेरे पास। अजान तुम्हें छोड़ता नहीं है? छोड़ो। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी और इसकी शादी का मामला आगे बढ़ा? नहीं, आगे नहीं बढ़ा, बल्कि चंद कदम पीछे आ गया है। क्यों? एक लड़की है, मारुख। मारुख? अभी मारुख कहां से आ गई? शायद मैं कहीं से आ गई। क्या मतलब? मतलब ये कि वो दोनों एक दूसरे को पहले से ही दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। लगता तो यही है। लगता क्या मतलब? तुम उसे ये बात क्लियर क्यों नहीं कर लेती हो? नहीं, मैंने पूछा था असलान से, फिर उसने कोई जवाब नहीं दिया।